दोस्तों एनडीपीएस केस में, एनडीपीएस एक ऐसा केस है दोस्तों जिसके अंदर की कन्विक्शन रेट बहुत हाई है, मतलब कि आप जब बेल ले भी लेते हो तो उसके बाद सजा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दोस्तों रहते हैं। अब होता क्या है कि इसमें केस तो आप लड़ते हो या फिर अपने वकील साहब से केस तो लड़वाते हो, बट केस को बड़ा हल्का छोड़ देते हो। ये कोई मारपीट का दोस्तों केस नहीं होता एनडीपीएस। एनडीपीएस एक ऐसा केस है जिसके अंदर आपने थोड़ी सी भी अगर गलती की, थोड़ी सी भी ढील बरती तो दोस्तों सजा पक्की है। और पहली बात तो इस केस में जल्दी से लोगों को बेल मिलती नहीं, और जिनको बेल मिल भी जाती है तो वो ठीक से केस लड़ते नहीं, और ठीक से केस लड़ोगे नहीं तो कन्विक्शन आपका हो ही जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि ज्यादातर लोगों में ऐसा दिखा गया है कि जब केस बनते हैं, अब केस भी अलग अलग तरह से बनते हैं, किसी को पुलिस ने पकड़ा, किसी को पकड़ा क्राइम ब्रांच ने, किसी को पकड़ती है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारी है, या कई बार मैंने देखा है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से भी लोगों के पास नोटिस पहुंचते हैं, अलग अलग तरह से NCB पकड़ लेती है। तो ऐसे कई अलग अलग एजेंसीज हैं जहां से कि देखा जाए तो केस आपके अगेंस्ट दर्ज होता है और ऐसे मामलों में आपको जेल भेज दिया जाता है। यहां बहुत बड़ा जो रोल प्ले होता है वो है क्वांटिटी का। तो मैं ऐसी 5 गलतियां आज आपको बताऊंगा जो 5 गलतियां आपको करनी नहीं है अपने केस में। अगर आप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बेल तो चलो जल्दी से आपकी होगी नहीं, साथ साथ में कन्विक्शन रेट है तो कन्विक्शन भी बहुत बड़ा आपको हो सकता है, सजा आपको हो सकती है। तो क्या 5 गलती ना करें, उन सबको जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों एनडीपीएस का मतलब क्या है, एनडीपीएस एक्ट ये कब आया है, तो पहले आप ये जानिए कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का है। ये कोई अभी का कानून दोस्तों नहीं है, 1985 का ये एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट में दोनों तरह से नार्कोटिक ड्रग्स हो या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हो, इनसे बनी हुई चीजें जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी रोकथाम के लिए ही इस एक्ट को अस्तित्व में लाया गया था। और जब एक्ट ये अस्तित्व में दोस्तों आया तो उसके बाद से ही न जाने कितनी ही गिरफ्तारियां हुई, कितने ही कन्विक्शन हुए, कितने ही लोगों को सजा हुई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जल्दी से इसमें बेल नहीं होती उन लोगों की जिन पर देखा जाए तो कमर्शियल क्वांटिटी के चार्जेस हैं। कमर्शियल क्वांटिटी में अगर दोस्तों आपका नाम आ गया एनडीपीएस के मामले में, तो आपके लिए बेल लेने के रास्ते बहुत ही टफ, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उन मामलों को प्रूव करना पड़ेगा, जल्दी से प्रूव होता नहीं। सबसे पहली समस्या दोस्तों क्या होती है, पहले आप यह समझिए, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी 3 है, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। ये हर चीज की अलग अलग है, वो मैं आपको बताने पे आऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके कहोगे तो उसकी PDF जो बनती है पूरी लिस्ट वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर बहुत जल्दी अलग अलग चीजों पर भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। बहुत सारी NDPS पर वीडियोस बनाई है अपने, मैंने इस चैनल पे बहुत सारे सेक्शंस पे बनाई है, आप उनको देखोगे समझ जाओगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं, सालों साल आपको जेल में रहना पड़ सकता है, उसके बाद जाके बेल होगी। और जो स्मॉल क्वांटिटी है उनकी बेल थोड़ा इजीली हो जाती है, इंटरमीडिएट वालों को भी बेल थोड़ा देर से ही मिलती है। तो क्वांटिटी को समझना चाहिए आपको। कमर्शियल क्वांटिटी में आप पकड़े गए हो, आप सोच रहे हो मैं तो बस आज गया हूँ, 2 महीने जेल से बाहर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके वकील साहब जो केस लड़ते हैं और जो NDPS के बारे में नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं कितना मुश्किल है ऐसे केसेस में बेल दिलाना। इतना आसान नहीं है कि 10 दिन के अंदर हम बेल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहली बात, क्वांटिटी को आप ध्यान रखें और सिर्फ ऐसे हल्के में इस केस को ना लें। दूसरी बात, इसमें कन्विक्शन रेट दोस्तों बहुत हाई है। कन्विक्शन रेट का मतलब कि आपको पहले पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, उसके बाद सजा भूल जाती है, बहुत सारे लोगों को सजा भूलती ही है इसके अंदर। तो कन्विक्शन रेट हाई इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा मानना है, ऐसा देखना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने वो अपराध किया है, और जो पुलिस जो बनाती है केस, फिर चाहे NIA बनाए, चाहे आपको डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाए, चाहे फिर आपको क्राइम ब्रांच आपको उठाती है, या कोई भी ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको उठाती है और जो केस बनाते हैं, तो इतना पक्का बना देते हैं कि उसके अंदर आपकी कोई निकलने की गुंजाइश वो लोग छोड़ते नहीं। बट हाँ, कमियां बहुत सारी होती है, जैसे कि इंडिपेंडेंट विटनेस का ना होना, पब्लिक विटनेस का ना होना, रिकवरी पर्सनल कार मतलब प्राइवेट कार से करना। सेक्शन 50 तो दोस्तों सभी पुलिस वाले समझ चुके हैं कि सेक्शन 50 पर ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, तो उसको बहुत पक्की तरह से बनाई जाती है। कई बार लोग जो झूठे केसों में फंस जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो नहीं फंसने चाहिए, उनका डिफेंस मजबूत होना चाहिए। तो आपको
देखना पड़ेगा, कन्विक्शन रेट बहुत हाई है तो ट्रायल को विशेष रूप से ध्यान देना, वरना बेल तो ले लोगे बट दोबारा जेल जाना होगा और फंस जाओगे। अब इन्वेस्टिगेशन जो होती है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन जो होती है, चार्जशीट लग गई तो आपको लगता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो गई कंप्लीट, अब मुझे बेल लगानी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, एफएसएल पेंडिंग है, एफएसएल पेंडिंग है और एफएसएल पेंडिंग ही रह जाती है बहुत बहुत वक्त तक। अगर आपके वकील साहब ने बहुत एक्टिवली काम नहीं किया तो मान लेना दोस्तों एफएसएल रिपोर्ट जल्दी से नहीं आएगी और साल भर ये एफएसएल रिपोर्ट ही खींच जाएगी और आपकी बेल नहीं होगी। तो बेहतर है अगर किसी भी आपके जानकार सगे संबंधी का अगर नाम आया है ऐसे केस में, या फिर मेरी इस वीडियो को अभी नए कोई वकील साहब है वो सुन रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे लॉ स्टूडेंट सुन रहे हैं जो जानना चाहते हैं एनडीपीएस के बारे में, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपके पास कोई ऐसा अगर केस आता है तो अपने ट्रायल को ध्यान दें, एफएसएल रिपोर्ट जल्दी मंगाएं, चार्जेस फ्रेम कराएं, और जब ये केस आता है क्रॉस पर और जब वहां पर चीफ एग्जामिनेशन होता है वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है अपने क्लाइंट को निकालने के लिए, अगर जिन लोगों की तब तक बेल नहीं हुई है तो एफएसएल को जल्द से जल्द मंगाना है। एफएसएल हालांकि आपके फेवर में कम ही आएगी, हमेशा आपके अगेंस्ट ही आएगी, क्योंकि जो पकड़ा गया, अभी बात यहां आती है कि जो पकड़ा गया उसको अगर उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी आप एडमिट कर लोगे कि हाँ पकड़ा गया आपके पास से, तो वैसे ही आप फंस जाओगे, फिर ट्रायल चलाने जरूरत क्या, फिर तो प्लेट गिल्टी कर लो आप, क्योंकि आपको ये नेगलेक्ट करना होता है कि जिस चीज़ की एफएसएल कराई गई वो मुझसे बरामद कभी हुआ ही नहीं। अब बात आती है चौथे पॉइंट में, क्योंकि सुनवाई की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमेशा आप बेल के पीछे पड़े रहते हो, बेल हो जाए बेल हो जाए बेल हो जाए, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, लोअर कोर्ट लगाओ, आप जाके सुप्रीम कोर्ट बेल लगा लो, हाई कोर्ट बेल लगा लो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर केस को चलाने का तरीका अलग होता है, हर केस की प्रोसीडिंग अलग होती है, और एनडीपीएस कोई लड़ाई झगड़े का केस नहीं है कि आपको पकड़ा और फटाफट से बेल लेके आ जाओगे, इसमें सालों साल लग जाते हैं दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेल लगाने के साथ साथ ट्रायल पर विशेष रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आपने विशेष रूप से ध्यान ट्रायल पर नहीं दिया सालों साल बीत जाएंगे, ये मान लीजिए सजा की तरह ही अपनी जेल काटोगे और बेल जल्दी से नहीं होगी। एफआईआर गलत है, एफआईआर को चैलेंज करो, चार्जशीट गलत आई है चार्जशीट चैलेंज करो, और चार्जेस लगे हैं तो चार्जेस को भी चैलेंज करो, रिवीजन में जाओ, पर हो सकता है उसमें आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं हमेशा सभी को इवन अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, बोलते हैं दोस्तों कि हार के डर से ना लड़ना कायरता होता है। दोस्तों आपको ये लगे कि नहीं मैं कोई भी एप्लीकेशन लगाऊंगा या कुछ भी लगाऊंगा और मैं कल हार जाऊंगा या फिर मतलब अलाउ नहीं होगी, तो दोस्तों ये गलत है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप किसी भी तरह से आप एक कानून के रक्षक हो, आप भी कानून के रक्षक हो, जो कानून को गलत किसी के साथ ना हो जाए, किसी के भी साथ इनजस्टिस ना हो जाए, उसमें हम सभी वकील लोग बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो आपको अपनी एप्लीकेशंस जो भी आपको लगे सही है लगानी चाहिए, 91 की एप्लीकेशन लगाओ, 311 की एप्लीकेशन लगाओ, इन सब पर डिटेल वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे बनाई हुई है, वो सब वीडियोस आप देखोगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पांचवी बात दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको, क्या आपको और ध्यान रखना है कि कोई भी आपका व्यक्ति मतलब कोई भी सगा संबंधी जानकर अगर जेल में है, वकील साहब बहुत अच्छे से जानते हैं केस को कैसे लड़ना है। अगर उन वकील साहब ने पहले भी अगर एनडीपीएस के केसेस लड़े हैं तो और अच्छे से केस वो लड़ेंगे, आप उन्हें परेशान बार बार ना करें कि आप ऐसा लगाओ वैसा लगाओ बेल क्यों नहीं हो रही है, तो उस चीज़ में दबाव में वकील साहब आ जाते हैं और फिर केस को ठीक से लड़ते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि वो वकील साहब पहले एनडीपीएस के केस में नहीं आए हैं या फिर एनडीपीएस केस नहीं लड़े हैं, तो एक बात अलग है, आप वकील साहब बदल दोगे, पर जो वकील साहब एनडीपीएस के केसेस लड़ते हैं उन्हें पता होता है, बाकी तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वकील साहब रखोगे, क्योंकि वकील साहब अपनी पसंद के आपको अपने केस में रखने का पूरा अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है आपका, इसे कोई छीन नहीं सकता, वो डिपेंड आप पर करता है। बट जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं उन सभी प्रिकॉशंस को आपको लेना जरूर है, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है और सालों साल आपको जेल में काटने पड़ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का सवाल है एनडीपीएस केस को लेकर, एनडीपीएस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सवाल पूछें अपने, या हमें व्हाट्सएप करें। कोई भी सजेशन चाहते हैं सजेशन आप ले सकते हैं, हो सकता है कि हमारी सजेशन आपके किसी काम आ जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। और दोस्तों हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करें अभी हमारा चैनल ताकि इसी तरह की और लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।